डियर सब्सक्राइबर, तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले बिहार जमीन सर्वे को लेकर के। फ्रेंड आप लोग कैसे पता करेंगे फ्रेंड कि सर्वे कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कैसे फ्रेंड आप लोग ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हैं। तो मैं ये सब चीज को लेकर बताने वाला हूँ। जितने फ्रेंड कैंडिडेट हैं लगभग सभी को पता है फ्रेंड बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के अभी काम चल रहा है। जितने भी फ्रेंड आपका जितने भी तरह का जमीन है, चाहे वो जो कि दादा परदादा के नाम पे है या फिर किसी के भी नाम पे है, यानी कि जमीन आपका है बट कोई अगर मान लीजिए जबरदस्ती रख लिया है, जबरदस्ती खेती बाड़ी कर रहा है, तो वो सब जमीन का फ्रेंड जो है कि अभी सर्वे चल रहा है। या किसी आपके नाम का जमीन है लेकिन कोई और डुप्लीकेट पेपर बना करके बेच देता है, तो ये सब चीज को लेकर के समाधान के लिए बिहार में फ्रेंड जमीन सर्वे को लेकर के जो कि काम स्टार्ट हो गया। तो कैसे फ्रेंड आप लोग अपना पता करेंगे कि आपके गांव में कहां पे कैंप लग रहा है, कहां पे शिविर लग रहा है, कौन से अमीन है, कौन से अमीन से आपको बात करना है, कौन से जो है कि सर्वे कर्मचारी से बात करना है, कहां से नंबर मिलेगा, सभी चीज को मैं बताने वाला हूँ। कैसे फ्रेंड आप लोग चेक करेंगे खुद से ऑनलाइन घर बैठे ही, ठीक है। तो वीडियो को आपको फ्रेंड लास्ट तक जरूर देखना है, मैं सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ और लास्ट में ये भी बताऊंगा किस तरह से आप लोग ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको ऑफिशियली वेबसाइट फ्रेंड आ जाना है, dlrsbihar.gov.in वाली वेबसाइट पे। ये वाला जो वेबसाइट फ्रेंड इस पे आप आएंगे, यहाँ पे आने बाद देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। ये जो फ्रेंड इंटरफेस है, यहाँ पे फ्रेंड आपको जो ये फर्स्ट वाला जो बिहार विशेष सर्वेक्षण समिति की सेवाएं जो लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे फ्रेंड अपने नाम से जो कि अपने ग्राम शहर में जो कि विशेष सर्वे सर्वेक्षण स्थिति देखने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करते देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन खुल के चले आया। यहाँ से फिर आपको आपके क्या आगे प्रोसेस करना है जो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे फिर आने के बाद सबसे पहले फिर आपको डिस्ट्रिक्ट बताना होता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से मान लीजिए आपने जो कि आपका जमीन है डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जहां भी आपका जमीन है जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वो चीज फिर आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद सर्कल क्या है फिर, यानी कि आपको कौन से ब्लॉक के अंदर में आता है, तो मान लीजिए जो भी फिर आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक को आप यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका मोजा आएगा फ्रेंड, जो आपका जमीन का जो मोजा आता है वो आपको बताना होगा, जो कि आपकी जमीन के रसीद में लिखा हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उस मौजा का जो जगह का नाम है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिंपली आप सर्च पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सर्च पे फ्रेंड आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो जिला, जिस जिले में जमीन है, जिला स्थल और जो उसका जगह का नाम है वो आपको देखने मिल जाता है। शिविर स्थल का यहाँ पे पता दे दिया गया है, देख सकते हैं, जो कि सरकार भवन राधे राधे माधे शिविर संख्या यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे शिविर स्थल का नाम देख सकते हैं। उसके बाद अमीन का नाम यहाँ पे आपको देख सकते हैं, सचिन कुमार। उसके बाद यहाँ पे अमीन का मोबाइल नंबर आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद जो कानूनगो का नाम होता है उसका नाम यहाँ पे दे दिया गया है, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद शिविर प्रभारी का नाम अमित कुमार सिंह यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद शिविर प्रभारी का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो देख सकते हैं इस तरह से फ्रेंड यहाँ पे जो कि आपके गाँव मोहल्ले में जो भी फ्रेंड आपका डिस्ट्रिक्ट आता है डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, जो भी ब्लॉक आता है उसका ब्लॉक चूज करेंगे, फिर यहाँ से आपका जो भी मौजा आएगा उसको चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स चले आता है, अमीन का नाम, मोबाइल नंबर, कानूनगो का नाम, मोबाइल नंबर, उसके बाद शिविर प्रभारी का मोबाइल नंबर नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और किस स्थल पे फ्रेंड इसका कैंप लगा हुआ है, इसको कैंप लगाना है, आप वहां पे जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड इसका कुछ अपडेट है, ठीक है। जो भी फ्रेंड अपने जमीन का सर्वे करवाना चाहते हैं तो आप लोग को फ्रेंड ये आसान तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं कि कैसे फ्रेंड जो है कि आपको जमीन सर्वे करवाना है, किन से सही जानकारी मिलेगा, किन से नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड दूसरी बात करते हैं, फ्रेंड आप लोग अप्लाई कैसे करें, इसके लिए फ्रेंड वापस से आपको होम पेज पे ही आना है, ठीक है। वापस फ्रेंड यहाँ पे आने बाद यहाँ पे देख सकते रहिए द्वारा सम्मिलित धारक भूमि की सर्वेक्षण घोषणा पत्र हेतु, तो यहाँ पे जो फ्रेंड दूसरा नंबर पे ऑप्शन है इस पे फ्रेंड आप क्लिक करेंगे तो यहीं से फ्रेंड आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते फ्रेंड यहाँ पे। यहाँ से फ्रेंड कैंडिडेट का नाम लिखना होता है, कैंडिडेट का स्टेट देखने को मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट बताना होगा कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, आधार नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, ईमेल आईडी देंगे और यहाँ पे फ्रेंड वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को टाइप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड इसमें आपको दो पेपर अपलोड करना होता है बना करके, दो पेपर मतलब जिस भी आपका जो भी प्रॉब्लम है, यानी कि मान लीजिए अगर आपका बाप दादा का जमीन है उसको आपको अपने नाम पे करना है, तो उसमें फ्रेंड मान लीजिए अगर उसमें दादाजी अगर जीवित नहीं है तो उसमें आपको वंशावली लगेगा, उसके बाद दो तरह का और पेपर लगता है। तो वो सारा चीज फ्रेंड आपको अमीन के द्वारा बता दिया जाएगा, जो भी आपका कंडीशन है उसको आपको अमीन के साथ शेयर करना है, प्रभारी के साथ बताना है कि आपका इस तरह के प्रॉब्लम में जमीन आपका फंसा हुआ है। उसके बाद वो बताएंगे कि कौन कौन से पेपर, क्योंकि हर काम के लिए फ्रेंड अलग अलग पेपर है। अगर मान लीजिए कोई डेट कर गया है तो उसके लिए वंशावली बनता है, तो उसी तरह से हर काम के लिए अलग अलग पेपर आपको देखने मिलेगा और उसको यहाँ पे 3 MB से कम साइज में आपको अपलोड करेगा। जैसे सारा डिटेल्स को फिल करेंगे, मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे, तब जा करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आएगा, वहां पे सिंपली अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद कुछ दिन के बाद आपसे जो कि जो भी आपका अमीन है, शिविर प्रभारी है, वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड आप लोग ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हैं जमीन सर्वे को लेकर के बिहार में, और आप जो कि अपना अमीन का और कानूनगो का और जो भी
भी फ्रेंड इसका शिविर प्रभारी है, उन सभी का जो कि यहाँ पे आप नंबर डिटेल्स को यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते फ्रेंड आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से आपको जो कि डिटेल्स को निकालना है जो अमीन का और जो कि सर्वे के लिए ऑनलाइन करना है। तो वीडियो फ्रेंड आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके बताएं, चैनल पर फ्रेंड नए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। मिलते फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने फ्रेंड थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह से फ्रेंड इन्फॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।